हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में मेरी जो लिपस्टिक्स हैं, 6 लिपस्टिक्स जो मेरी फेवरेट हैं, वो मैं आप सभी के साथ में लेकर के आई हूँ उनका रिव्यू, और वो किस तरीके से टेक्सचर देती है, और सबसे अफोर्डेबल से सबसे महंगी जो लिपस्टिक्स हैं वो मेरे पास हैं। तो मैं जो मेरे पास शेड्स हैं वो मैं आप सभी को दिखाऊंगी, और उनके सभी के जो शेड्स नेम है वो मैं स्क्रीन पर आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और आज मैं जो भी लिपस्टिक्स आपको बताऊंगी वो बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स हैं, शेड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और इंडियन स्किन टोन पर इजी गोइंग चले जाएंगे। तो अभी जैसा कि वेडिंग सीजन चल रहा है, सभी लोग लिपस्टिक को सर्च कर रहे होंगे, सभी महिलाएं स्पेशली डे टाइम के लिए या नाइट टाइम के लिए, तो मैं आपको वो सारे शेड्स दिखाऊंगी। मेरा जो लिपस्टिक का जो कलेक्शन है उसमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड जो लिपस्टिक है वो मैंने ली है इस वीडियो में, तो वीडियो को कंटिन्यू। सबसे पहले जो लिपस्टिक है वो है एलेटिन कलर पॉप सिल्क लिपस्टिक, और ये इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, काफ़ी अफोर्डेबल लिपस्टिक आपको मिल जाएगी ये, और इस तरीके का इसका जो पैकेजिंग है वो ये है, और इसका जो प्राइस है वो स्क्रीन पर मैं आपको मेंशन कर दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका जो शेड है, इसमें काफ़ी सारे शेड्स आपको अवेलेबल है, सारी डिटेल स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी। तो ये मैंने जो शेड लिया है वो इस तरीके का शेड है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा ब्राउनिश सा शेड है जो स्किन टोन पर इजी गोइंग चला जाएगा, और मैं आपको इसका हैंड स्वेच करके दिखाऊंगी, और इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जाकर के वहाँ चेक कर सकते हैं। और अब मैं इसका हैंड स्वेच आपको करके दिखाऊंगी, तो ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है। आप इसे नाइट टाइम में लगाएं या डे टाइम में लगाएं, बहुत ही अच्छा लुक आता है, और स्पेशली काफ़ी अफोर्डेबल भी आपको मिल रही है ये लिपस्टिक, और अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मिल जाएगी आपको, किसी भी ऑनलाइन साइट से आप इसे परचेज कर सकते हैं, और ये शॉप पर भी अवेलेबल है। तो ये है ये शेड, तो सबसे पहले लिपस्टिक की बात हो गई है, और इसका जो लिप्स पे लगाने के बाद जो टेक्सचर आता है वो भी काफ़ी अच्छा आता है, ट्रांसफ़र होती है ये लिपस्टिक, लेकिन पिगमेंटेशन बरकरार रहता है। और अब जो सेकंड लिपस्टिक है वो है ये वेट एंड वाइल्ड की, सॉरी थोड़ा सा ये लिपस्टिक नीचे गिर गई थी, तो इसका जो ऊपर वाला कैप है थोड़ा ब्रेक हो गया है, तो आप देख सकते हैं ये है वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक, ये बुलेट लिपस्टिक है वेट एंड वाइल्ड की, और इसे भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये इस तरीके की लिपस्टिक है, ये भी आई थिंक 120 के आसपास ही मैंने ख़रीदा था इसे, और इसका जो अभी एक्चुअल जो प्राइस है वो मैं स्क्रीन पर आपको मेंशन कर दूंगी। और मैंने इसे काफ़ी बार यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं फिनिश भी होने वाली है ये, और मैं इसका जो टेक्सचर है वो आपको दिखा देती हूँ, हल्की सी शाइन ये छोड़ती है लिपस्टिक लगाने के बाद में, प्रॉपर मैट ये बिल्कुल भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं दोनों लिपस्टिक का जो टेक्सचर है ये हल्की सी मैट फिनिश देती है, और ये बिल्कुल भी मैट फिनिश में नहीं है, ये शाइनिंग आपके लिप्स को देती है। तो जैसा कि अभी विंटर है, तो विंटर में इस तरीके के ही लिप शेड लगाते हैं सभी, तो काफ़ी अच्छा लुक भी आता है, थोड़ा सा शाइनिंग सा भी रहती है लिप्स पर। तो ये इस तरीके से इसका जो शेड है, इसका शेड आई थिंक, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मैं जो भी इस लिपस्टिक की डिटेल है वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो ये भी एक शेड है, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मिल जाती है ये लिपस्टिक भी। और उसके बाद बारी आती है, ये है मैबलिन की लिपस्टिक, जो क्रीमी मैट वाली जो लिपस्टिक है मैबलिन की, मैंने अभी रिसेंटली इसका भी रिव्यू शेयर किया है, तो आप उसे भी जाकर के चेक करें। और ये इस तरीके का जो इसका शेड है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक नेचुरल सा कलर है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम स्मोकी आई मेकअप करते हैं, तो उसके साथ में इस तरीके के शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको इसका भी टेक्सचर और कलर दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है तो वो इस तरीके के शेड्स लगा कर के भी रह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा शेड है, काफ़ी नेचुरल लुक देता है लिप्स पर।
इसमें भी काफ़ी सारे शेड्स आपको अवेलेबल हैं, और ये जो इस लिपस्टिक का जो फार्मूला है वो है क्रीमी मैट फार्मूला। तो अभी विंटर है तो विंटर के लिए आपके लिए ये बहुत ही अच्छी रहेगी लिपस्टिक। उसके बाद में नायका के मैट टू लास्ट मिनी मेटेलिक लिक्विड लिपस्टिक है, इसका भी रिव्यू आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। और ये एक लिक्विड लिपस्टिक है और मेटेलिक शेड है इसका, तो जैसे पार्टी फंक्शन में हम लोग जाते हैं तब इसी तरीके के शेड्स हम अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने मिनी वाला पैकेजिंग लिया है, इसका बड़ा पैकेजिंग भी आता है क्योंकि मुझे इसको एक बार ट्राई करके देखना था, तो मैंने इसका मिनी ही पैकेजिंग लिया है। और ये इस और मिनी पैकेजिंग अफोर्डेबल आता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम आती है। तो ये इस तरीके से लिक्विड लिपस्टिक है और इसका भी शेड मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए आप, इस तरीके से ये एक मेटेलिक शेड है और लिप्स पर अप्लाई करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जब हम इसे मेकअप के साथ में अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है इसका। और ये डबल तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ आई शेडो भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और लिपस्टिक के तौर पर तो हम इसे इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है शेड। उसके बाद में बारी आती है लैक्मे 925 की जो लिपस्टिक है वो इस तरीके से, इसका भी रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये भी बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा शेड है और आप देख सकते हैं इसका जो शेड है वो। और अब मैं इसे आपको हाथ पर लगा करके दिखाऊंगी इस तरीके से। और ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा शेड है और किसी भी इंडियन स्किन टोन पर ये इजी तरीके से चला जाएगा। और ये भी एक मैट फॉर्मूला के साथ में लिपस्टिक आपको मिलती है, थोड़ा सा ट्रांसफ़र होती है ये लिपस्टिक, लेकिन ये पिगमेंटेड उतनी ही रहती है जितनी आपने लगाई है। और इस तरीके से इसका जो शेड है ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और उसके बाद में नायका की मॉल्टन मैट लिप एंड चिक कलर वाली ये लिपस्टिक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है, डे टाइम के लिए तो परफेक्ट शेड है ये और मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है ये। अगर आप न्यूड शेड ढूंढना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा एक न्यूड कलर है ये, और ये आप एज अ ब्लश भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये एक लिक्विड लिपस्टिक है और मैट फॉर्मूला के साथ में आती है, तो ये थोड़ी देर बाद ही मैट हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग भी काफ़ी है। तो इस तरीके से मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, तो ये भी लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सारे कलर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरा जो पर्सनल जो मेरे जो फेवरेट्स शेड्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके बाद में मेरी जो फेवरेट लिपस्टिक है वो है ये मैक की रूबी वो, और अब मैं इसे आपको हाथ पर लगा करके दिखाती हूँ। और अभी मैंने जो लगा रखी है वो यही लिपस्टिक लगाई हुई है अपने लिप्स पर, और अब मैं इसका भी टेक्स्चर आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जो शेड है लास्ट में, ये बहुत ही अच्छे मैट टेक्सचर में आपको मिलती है लिपस्टिक। काफ़ी अच्छा इसका जो शेड है वो बहुत ही ब्राइट रेड शेड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है फेस पर लगने के बाद में। ये किसी भी स्किन टोन पर इजी तरीके से चला जाता है और बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा शेड है। तो ये मेरी जो फेवरेट लिपस्टिक्स थी उनके ये शेड्स हैं और मैंने आपको ये लिपस्टिक्स दिखाई हैं। आई होप आपको ये सारे शेड्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।